हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बनाएंगे ब्रेड स्प्रेड रेसिपी, ग्वाभा ब्रेड स्प्रेड। हमने अमरूद का जैम बनाएंगे, ठीक है? बहुत ही स्वादिष्ट, यमी, एकदम यमी स्वीट रेसिपी, ग्वाभा जैम। ये मेरे पेड़ का अमरूद है, बहुत ही मीठा है, टेस्टी है, बहुत सारा हुआ है, तो हमने आज ये रेसिपी बना ली है, उसी से बनाए। ये हमने अमरूद को छोटे छोटे टुकड़ों में काटे हैं, इसका दाना निकाल दिए हैं। इसको हम प्रेशर कुकर में एक सीटी लगाएंगे, ठीक है? पानी बिल्कुल नहीं, ये हमने नमक छिड़क दिए हैं और फिर थोड़ा थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, इसको येलो कलर लाएंगे, ठीक है? इसको हम एक सीटी लगाएंगे, एक सीटी लगाएंगे और फिर ठंडा होने पर इसको सीटी खोल लेंगे, ठीक है? और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए, थोड़ा सा रिफाइंड तेल, पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसी से हम इसको एक सीटी लगाएंगे। हाई फ्लेम मत कीजिए, मीडियम फ्लेम में एक सीटी लगाइए। ये देखिए बॉयल हो गया है, अमरूद बॉयल हो गया है, हमने इसका दाना निकाल दिए हैं। मैं जिस प्रोसेस से बोल रही हूँ उसी प्रोसेस से बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। फिर हमने इसको मिक्सी में पेस्ट बना लिए हैं, पानी बिल्कुल नहीं। फिर एक जाली वाला छलनी से हम इसको छान लेंगे, ठीक है? सिल्वर का जो छलनी आता है जाली वाला, उसी से हम, ये लीजिए हमने छान लिए हैं। कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है इधर उधर, ये हमने छान लिए हैं, जाली वाला छलनी से छान लीजिए। फिर एक तार का चाशनी बनाएंगे, एक कटोरी शक्कर हमने डाले हैं और एक कटोरी पानी, ठीक है? हम इसका एक तार का चाशनी बनाएंगे, आठ सात सात आठ बड़ा बड़ा अमरूद लिए थे हम, और मेरा अमरूद बहुत मीठा था इसीलिए हम ज़्यादा शक्कर नहीं डालेंगे। एक कटोरी शक्कर, एक कटोरी पानी का हम एक तार का चाशनी बनाएंगे। हमने अमरूद को बॉयल करके, प्रेशर कुकर में बॉयल करके, मिक्सी की जार में उसको पेस्ट बनाए, फिर उसको जाली से छलनी से उसको छान लिए हैं। फिर ये हमने एक तार का चाशनी बनाएंगे अच्छे से, इसको एक तार का, ये देखिए बन गया आपका एक तार का चाशनी। तार की जाली का छलनी से हमने उसको चला लिए हैं, नीचे से निकाल लिए हैं और ये एक तार का चाशनी बन गया। अभी हम इसमें वो जो हम गुआवा पेस्ट रखे हैं उसको डाल देंगे। ये लीजिए हमने डाल के अच्छे से मिला लिए। छलनी में चलाना ज़रूरी है क्योंकि उसका जो दाना गोटा मोट गोटा गोटा दाना वगैरह जो रह जाता है वो ऊपर निकल आता है, नीचे से पूरा फाइन पेस्ट निकल आता है, जिससे हम ये ब्रेड स्प्रेड बनाएंगे, ठीक है? बहुत ही टेस्टी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसको पूरा सुखाएंगे। मेरे सारे दर्शकों से एक ही अनुरोध है, एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़रूरत है। इसको हम सुखाएंगे, पूरा सुखाएंगे, पानी पूरा सूख जाए, पानी ऐसे हम दिए ही नहीं, फिर भी जो गीला गीला रहा है उसको हम इसमें हम विनेगर डालेंगे, दो बड़ा बड़ा टेबल स्पून डाल देंगे, थोड़ा खट्टा मीठा बैलेंस करेगा। अच्छे से मिला लीजिए, हाई फ्लेम मत कीजिए, अगर हाई फ्लेम करोगे तो इसको लगातार चलाना पड़ेगा। मैं हाई फ्लेम करके लगातार चला के इसको फटाफट इंस्टेंट बना ली। अगर आपको परेशानी हो रहा है क्योंकि ये छिड़कता है, अगर आपको परेशानी होता है छिड़क रहा है बोल के, तो आप मीडियम फ्लेम में इसको बनाइए। मैं हाई फ्लेम करके लगातार चलाते हुए इसको फटाफट बना ली, इंस्टेंट बना ली। आप अगर ऐसा कर सकते हो तो करो, नहीं तो सावधानी से इसको बनाओ मीडियम फ्लेम में। और लंबा डांडी वाला स्पून लीजिए, लंबा डांडी वाला, दूर से इसको आप कर सको। ये देखिए बन गया। अभी इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद ही इसको परोसेंगे। ये ठंडा होने पर और जम जाएगा, एकदम आटा, एकदम
बिल्कुल दुकान का जैम जैसा बन जाएगा। इसमें आप फूड कलर भी डाल सकते हो, मैंने इसमें फूड कलर नहीं डाली हूँ, आप डाल सकते हो किसी भी कलर, आपका मनपसंद की कलर आप डाल सकते हो। बन गया आपका ब्रेड स्प्रेड गुआवा जैम, ठीक है। देखिए बहुत ही टेस्टी, यम्मी यम्मी, बहुत ही यम्मी। आप रोटी में लगा के खाओ, ब्रेड में लगा के खाओ, किसी भी चीज़ के साथ, बहुत ही टेस्टी। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में नया रेसिपी लेके आ जाऊँगी।